हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन और मैं हूं हरसाय चोपड़ा। दोस्तों, सीबीएसई ने दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट एरिया में 10th और 12th के एग्ज़ाम पोस्टपोन की थी और एनटीए को लेटर लिखा था कि जो न्यू डेट होगी वो एनटीए की एग्ज़ाम के साथ क्लैश न करे। इसके चलते काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल ने ये रूमर फैलाई थी कि नीट की एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगी। तो अभी मंडे को सीबीएसई ने न्यू डेट अनाउंस कर दी है, तो आइए देखते हैं क्या है ये न्यू डेट और क्या ये नीट 2020 की एग्ज़ाम डेट के साथ क्लैश तो नहीं कर रही हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप ये इंडिया टुडे का न्यूज़ आर्टिकल देख रहे हैं, इसमें लिखा है कि 12th क्लास के जो एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए थे वो 31st मार्च 2020 से 14th अप्रैल 2020 तक होंगे। इसकी एक बार डेट शीट हम देखते हैं तो ये 14 अप्रैल को जो पेपर है वो सॉरी 31st मार्च 2020 को फिजिक्स का पेपर है, उसके बाद 1st अप्रैल, 3rd अप्रैल, 4th अप्रैल, 7th अप्रैल, 8th अप्रैल, इसके बाद 9th अप्रैल, 11th अप्रैल, 13th अप्रैल और 14th अप्रैल को मार्केटिंग का पेपर है लास्ट। तो इसमें नीट 2020 का एग्ज़ाम 3rd मई को है और ये पेपर अभी 14th अप्रैल 2020 तक हैं। तो ये तो क्लियर हो चुका है कि सीबीएसई की न्यू डेट नीट एग्ज़ाम के साथ क्लैश नहीं कर रही हैं, अतः नीट 2020 पोस्टपोन का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। नीट 2020 का एग्ज़ाम 3rd मई 2020 को ही होगा। हालांकि जेई मेन की एग्ज़ाम ज़रूर 5, 7, 8, 9, 11 अप्रैल 2020 को है, लेकिन जो एग्ज़ाम डेट 7th, 8th, 9th, 11th अप्रैल 2020 को है वो साइंस सब्जेक्ट की नहीं है। फिर भी देखते हैं एनटीए जेई मेन की एग्ज़ाम के बारे में क्या अपडेट देता है, जैसे ही कोई न्यू अपडेट मिलेगी हम आपको सूचित कर देंगे। तो दोस्तों, सीबीएसई के न्यू डेट अनाउंस हो चुके हैं, ये जानकारी थी इस वीडियो में। और ये भी क्लियर हो चुका है कि नीट 2020 के एग्ज़ाम 3 मई को ही होगी। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।